अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद बॉलीवुड की मारूफ शख्सियत ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। मारूफ अदाकारा रिया चक्रवर्ती ने अफगानिस्तान में मौजूद ख्वातीन और अकलीतों के हकूक के हवाले से बात करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि इस वक्त जब दुनिया भर में ख्वातीन तनख्वाह की बराबरी के लिए लड़ रही हैं, अफगानिस्तान में ख्वातीन को फरोख्त किया जा रहा है। अदाकारा ने कहा कि अफगानिस्तान की ख्वातीन और गैर मुल्कियों की हालत देखकर दिल टूट गया है। उन्होंने आलमी हुक्मरानों पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी जोर दिया, जबकि आखिर में रिया ने लिखा कि ख्वातीन भी इंसान हैं। एक और भारतीय अदाकारा व डायरेक्टर टिस्का चोपड़ा ने अपने बचपन की तस्वीर शेयर की और इस पर लिखा, मेरा बचपन और काबुल। उन्होंने तस्वीर पर दिल टूटने की इमोजी भी बनाई। अदाकारा आलिया भट्ट की वालदा अदाकारा सोनी ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भारत के यौम आज़ादी पर ट्वीट की कि जब एक मुल्क अपनी आज़ादी का दिन मना रहा है तो उस वक्त दूसरा मुल्क अपनी आज़ादी खो रहा है, ये दुनिया क्या है। बॉलीवुड के हदायतकार शेखर कपूर ने भी अफगानिस्तान में मुकीम अफराद के लिए दुआ की और इनसे इजहार यकजहती पेश किया। मज़ीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाह जॉक इंटरटेनमेंट।